तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो भाई आज अबू बकर के साथ दोस्तों मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई, और यार ये बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है कि मुझे भाई रैबिट के बच्चे देखने हैं। और सेकेंडली दोस्तों भाई मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यकीन कर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी ऊपर आने की, मगर अबू बकर के इतना इजहार करने पर ना मुझे आना पड़ा, यकीन करें। हालांकि मेरा इस टाइम बिल्कुल भी इरादा नहीं था ऊपर आने का। हाँ भाई अबू, अब बताओ क्यों पीछे लग रहे थे बाबा के इतने आप? हाँ भाई, तो दोस्तों भाई अबू बकर जो है भाई खास तौर पे दोस्तों रैबिट को देखने आया है, मतलब यार ये पीछे लगा हुआ था कि मुझे रैबिट को देखना है। और यहाँ पे देखो अबू बकर, एक चील यहाँ बैठी हुई है और दूसरी चील यहाँ बैठी हुई है। यार चीलों ने दोस्तों ये घर बना दिया है मेरे ख्याल में, हालांकि यार इनको मैं खाना वाना भी नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कि पीछे लगी रहती है। हटो गब्बर, कुछ नहीं कर रहा गब्बर, जा रहा जा रहा, निकाल लो बेटा, बस चलो ऐसे ही देख लो बैठ के। तो दोस्तों भाई अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा रैबिट का जो बेबी है ना भाई दिन ब दिन दोस्तों अच्छा खासा बड़ा हो रहा है। यहाँ पे ये लगा दो ताकि तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होंगे अबू। हाँ यहाँ पे आराम से उठाओ, आराम से आराम से। अबू बकर वो नहीं आ रहा अभी, वो डर रहा है, पता है? छोड़ दो, रहने दो, छोड़ दो, वो डर रहा है आपसे, वो आपसे डर रहा है ना वो। चलो आ जाओ बाहर, देखो नीचे देख के आना, नीचे देख के आना, देखो रैबिट के बेबी बैठे हुए ना यहाँ पे, तो देख के आना, ठीक है? चलो यहाँ छोड़ दो उसको। वाह वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल यार। तो दोस्तों भाई हमारे रैबिट के माशाल्लाह बच्चे भाई दिन ब दिन दोस्तों अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो रैबिट का बच्चा अपनी मम्मा के पास जाना चाह रहा है, देखो उसकी मम्मा वहाँ पे बैठी हुई है वो, और ये भी जाना चाह रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों भाई अबू बकर जो है ना भाई रैबिट के बच्चे देखे ना, यकीन करें मेरे पीछे लगा हुआ था कि भाई बाबा मुझे ऊपर जाना है मिनी जू में और रैबिट के बच्चे बाहर निकालने हैं। तो यार अबू भाई अब ज्यादा पीछे नहीं लगो बकर, बेचारे बीमार हो जाएंगे ना। जी अच्छा मैं एक बात बताऊँ दोस्तों भाई, मैंने अबू बकर को नीचे ना ऐसे बोला था, मतलब ना कि भाई रैबिट के बच्चे मर गए हैं ताकि ये ऊपर ना आ पाए, लेकिन भाई अबू बकर तुम तो बड़े तेज निकले हो भाई माशाल्लाह, हाँ तुम तो इतने चलाक निकले, तुमने मेरी बात भी नहीं मानी और यहाँ पर रैबिट के बच्चों को बाहर निकाला हुआ है। वो सो नहीं रहे, वो भी मम्मा को याद कर रहा है अबू, पता है? चलो वो सो रहा है अभी, थोड़ा सा आप इंजॉय करो, ठीक है? तो दोस्तों भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, सुबह सुबह दोस्तों मैंने आके अपने तमाम बर्ड्स को इनके खुराक तो दे दी थी, क्योंकि यार दोस्तों आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मुझे बुखार बहुत ही तेज़ हो रहा था, जिसकी वजह से दोस्तों मैं ब्लॉग सुबह सुबह बना नहीं पाया। तो भाई अबू बकर के पीछे लगने पे मैं तुरंत सोचा अभी चलते हैं और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं अपना, ठीक है भाई? आप लोगों को भी दोस्तों भाई हमें अपडेट देनी ज़रूरी बनती है ताकि आप लोग भी देख सकें भाई। और यहाँ पर भाई हमारे रैबिट ने सारी सफाई कर रखी है, सारा लूसन। तो दोस्तों सबसे तेज जो है ना हमारे रैबिट के बच्चे लूसन सफाई करते हैं, ये आप चेक करें ज़रा, ये देख रहे हैं आप, ये इनको कितना भरपूर मैंने लूसन डाला था सुबह दोस्तों, और अभी देखें एक रत्ती भर भी नहीं है। देखो मार देगा वो, गब्बर से बचाओ, गब्बर से बचा के रखना। बहुत सारे एंजॉय करोगे। अच्छा देखो उसकी मम्मा यहाँ से देख रही है, वो देखो आपको, देखो 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 ये देखो मम्मा उसकी देख रही है, बोलिए अबू देखो मुसलसल हमारे बच्चों को तंग कर रहा है, तो देख लो आप, देखो देखो बाहर आ रही, बाहर आ रही, बाहर आ रही, देखो। और रैबिट का बच्चा देखो जवाला भी कितना सुस्त सुस्त हो रहा है अबू। नहीं नहीं गुस्सा नहीं करो, तो चलते हैं बर्ड्स वाले केज, बर्ड्स वाले पोर्शन में, और देखते हैं भाई अंदर क्या मामलाते हैं। और यहाँ पे अपने पिजास के बेबी पे नज़र मार लेते हैं पहले भाई। तो दोस्तों भाई हमारा पिजास का माशाल्लाह बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये भी सही है। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है भाई ये वाला जो हमारा बजीज का पेयर है ना दोस्तों, ये बच्चे माशाल्लाह अच्छे से भाई ग्रो श्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों फ्लाई नहीं कर पाए भाई ये। जी ये रैबिट के बच्चे तो आपके हाथ में, और क्या है ये, ख्याल करो गब्बर से, ख्याल करना सही है, गब्बर से बहुत ज्यादा ख्याल करना, गब्बर चोंच ना मार दे, गब्बर देख भी रहा है आपको, देखो चील भी ऊपर से देख रही है मेरे ख्याल में, अभी चली गई है यहाँ पर आके बैठ गई, देखो सामने ना, ये देखो बकर सामने आके बैठ गई है,
तो दोस्तों मैं आपको बजीज की बेबी का बता रहा था भाई, यहाँ पे दोस्तों भाई ये अच्छे से ग्रो तो कर रहे हैं मगर यार बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात यार इनकी माँ जो केयर करती है दोस्तों वो केयर ये खुद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों अच्छे से भाई ये पल रहे हैं। ये देखें आप चेक करें, रैबिट के बच्चों ज्यादा नहीं उठाओ बकर, वो बेचारे मर जाएंगे, सुस्त सुस्त हो रहे हैं। देखो मेरा डिस्टर्ब नहीं करो, देखो कितना सुस्त सुस्ता हो रहा है, देखो कितना प्यारा सा बेबी है अबू, आप जरा तंग शंग नहीं करो यार प्लीज, ठीक है ना। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अब इनकी हमें केयर करनी है, ठीक है। जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे फिर इसकी तरह हो जाएंगे हमारे रैबिट। तो भाई हमारे रैबिट ये वाला तो बड़ा हो गया ना अबू, अभी ये छोटा है, ये भी इंशाल्लाह थोड़े दिन में बड़ा हो जाएगा, 4-5 दिन में ये भी बड़ा हो जाएगा। जैसे इसकी माँ जो है ना, देखो ये बैठी हुई है ना, ये देखो ये भी बड़ी हुई है ना, ऐसे हमारा ये वाला रैबिट का भी बड़ा हो जाएगा और ये छोटे वाले भी हमारे इस तरह से बड़े हो जाएंगे, है ना अबू। चलो अब इनको रखो फटाफट, बस अब रखने की बारी है अबू, जल्दी से रखो, बहुत टाइम हो गया, पता गर्मी हो रही है अबू। बस तुम फिर वैसा करो, बैठा रहना, मैं चला जाता हूँ। सही, मैंने सबको पालक वाला खिला दिया है, अपनी मुर्गियों को भी खिला दिया सुबह आके, अब आप इतनी देर से आए तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना अबू। काट लेगा हाथ पे, इसको तो जाना, देखो कितना प्यारा सा, देखो हमारा रैबिट है अबू, कितना प्यारा क्यूट सा लग रहा है ना ना अबू, और कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट इनकी जिल्द हो रही है, देखो स्किन कितनी सॉफ्ट हो रही है ना अबू। ये बड़ा हो गया ना अभी, इसकी उम्र जो है थोड़ी बढ़ गई है, और ये जो रैबिट है ये भी छोटे हैं। उसका भाई है ना, बड़ा वाला वो इसका भाई तो मुर्गी को मार देता है। चलो भाई रैबिट, अब तुम्हारी बंद करने की बारी आ गई है, तो अबू पका चलो बंद करो बस। दोस्तों बंद करने के नाम से देखे अबू बकर इसकी परफॉर्मेंस चेक करें खाली, अपना अबू बकर बंद कर दें। नहीं क्यों, गुस्सा कर रहा हूँ अबू बकर भाई, गुस्सा जब करता है दोस्तों तो वो क्या, मैं नाराज हूँ आप लोगों से, सबसे नाराज हूँ, और आप लोग ना मुझे खेलने नहीं देते है ना भाई अबू, यही बोलते हो ना आप। अभी देखिए दोस्तों आप लोग सीन देखिए खाली, अबू बकर जल्दी से रैबिट के बच्चों को अंदर रखो, फिर हमें ना बजीज का बच्चा निकालना है। हाँ ये देखिए, देखो चला के देख रहे हैं, फटाफट देखें कितना तेज रखा है। चलो चलो बच्चा, बाय बाय, आप अंदर आओ, इधर आओ, तो दोस्तों आप चला के देख रहे हैं, चला के देख रहे हैं खाली बजीज को, मैंने नाम दिया है, और अबू बकर फटाफट भाई रैबिट के सारे बच्चों को अंदर रख दिया है। बजीज का बच्चे ने काट लिया मेरे हाथ पे बहुत तेज। अरे पापा, अभी मेरे काटा इतना तेज है ना, नहीं बजीज का एक बच्चा निकाल के मैं अबू बकर को थोड़ा खिला देता हूँ ना। देखो कितना प्यारा सा बेबी है, और पकड़ लिया मैंने, चलो आ जाओ, चलो वहाँ पे लेके चलता हूँ। चलो भाई दोस्तों ये हमारे बजीज का दोस्तों बेबी आ गया, अबू बकर अब इससे थोड़ा सा खेलेगा, एंजॉय करेगा। अबू बकर हैंड टाइम करो, चलो इसको अब हैंड टाइम करो, जल्दी करो, चेक कर। अब देखो किसा भागने लगा है, पहले भागता भी नहीं था, अभी अब भागने लगा है ना। मुर्गी से बचाना, गब्बर से बचाना उसको। पकड़ लिया, आराम से पकड़ना, और यहाँ देखें यार अबू बकर, देखो तुमने खोला है ना वो, आप गब्बर ऐसा ना हमला कर दे यार इस पे, ये तो नहीं काटेगा, इतना छोटा सा है अबू, मुझे लगता है गब्बर इसको काट लेगा। तब इसने मुझे काटा था। किसने? मुझे। अब काटा था, देखा मैं बोला था ना काटता है, आप मेरी बात समझ ही देते। चलो देखो ये आ गया हमारे बजीज का बेबी, देखो कितना प्यारा सा है और कितना छोटा सा है ना अबू, कितना क्यूट सा है। क्या करने जा रहे बेटा? अभी देखिए बर्तन लेने जा रहा है अबू बकर, गर्मी देखो यार, तुमने मुझे गर्मी में बिठा दिया, कहाँ पे यहाँ से भाग जाएगा ये? ये देखो ये देखो, देखो छलांग मार देगा ये, हाँ ये देखो देखो छलांग मार रहा ना, बोल रहा था मैं आपको, देखा इसको हैंड पे बिठाओ ना, अपने हैंड पे बिठाओ, मैं बिठाऊंगा, बिठाओ उंगली, बोलो काटा था, जब तो बोले ना इसको नहीं निकाला करो, फिर देखो मुझे भी काट रहा है, देखो कितना अच्छा सा बच्चा काट रहा है, देखो भी काट रहा है, देखो कितना प्यारा सा बेबी है, नहीं पर नहीं पकड़ो, पर नहीं पकड़ो, बीमार हो जाएगा वरना, देखो कितना प्यारा सा बेबी है, उसके ना पता है पंजे फंस गए मेरे मेरे ग्लव्स में ना अबू, उसके पंजे फंस गए नाखून उसके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ज्यादा नहीं खींचो, ज्यादा नहीं खींचो, ज्यादा नहीं खींचो, उसके बाद निकालना पड़ेगा, फंस गया मेरे ग्लव्स में ना इसका भाई, बड़ी मुश्किल है दोस्तों, उसको मैंने निकाला भाई,
काट भी नहीं पा रहा। अब नहीं काट रहा वो, तो परसाई पकड़ो, परसाई से पकड़ो। चलो बस, चलो भाई बजीस, अब तो मैम रखते हैं और अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे बस। बेटा तुमने तो यहाँ पे ना सब कुछ काम बढ़ाया, यार ये पैर फंस रहा है इसको, मुश्किल चलना इसको। यहाँ पे यार मैंने अभी बजीस का बच्चा अंदर रखा ही था और यहाँ पे दूसरी जगह देखो तो अबू बकर का काम देखे, जरा पिजन्स को बेबी बाहर निकाल लिया यार। मुझे बेटा लॉक करना पड़ेगा दरवाजे सारे, अब आपकी वजह से ना अबू सारे दरवाजे में लॉक करूंगा। तुम देखो आपको मैंने मना किया, इसको डिस्टर्ब नहीं करो, अभी छोटा सा बेबी है ना बेटा, बड़ा हो जाएगा ना फिर हम अच्छे से इसको घुमाएंगे। देखो गब्बर भी इस पर हमला कर रहा है, फटाफट अंदर रख दो आगे। हाँ इसके देखो अभी परवर आ गए ना, जब अच्छे से फ्लाई करने लगेगा ना फिर हम लोग इसको खोलेंगे, ठीक है। चलो बंद करो, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो देखिए भाई अब बगर ने पिजन्स के बेबी को वापस अंदर बंद कर दिया है, ये देखो उसने गंदी भी कर दी, सारा प्याले में भी वॉटी कर दी। सो फाइनली दोस्तों व्लॉग को फिर अपने यहीं पर ही एंड कर देता हूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी अच्छे कंटेंट में। जब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, भाई को दुआ में रखिएगा यार, तबीयत बहुत खराब है, ठीक है ना। फिर भी देखें आप लोगों के लिए इतनी भाई हिम्मत करनी पड़ती है। तो जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।